हाँ भाई, किसे ढूंढ रहे हो? आ गया मैं। सो हेलो जी। ये क्या सारे निकले रात में गेडी, ये काटे ने जेडी, ये हाथ में काडल बैग, गल के लौंडे, ये गम के नोटा के मामले, मैटर ने थामल रे। मामे ना करते कलेस, घर से ना करते अरेस्ट, इंगे कुआ न डरते फिर रे, बेके बलाट तो बक्से भर रे, तो खर्चे बड़े। दादा के लाडल ठाट से खाट पे कटे धरे, छाती पे दाके दे बिगड़े, जे बात ने दुद्दी पकड़ के ये कर दे परे, चर्चे बड़े पता करे। ने सब भाई है बाटी अवाना, नागर का ऊंचा घराना, डरते न यादव के घर पे ठिकाना है, दिल्ली से नोएडा के भाइयों को गाना। वाहे सची तेरी सिफत सची साला, सची तेरी कुदरत सच्चे पाशा, अल्लाह पाकम पाक है अल्लाह, हाँ भाई, किसे ढूंढ रहे हो? आ गया मैं। सो हेलो जी, हेलो, वेलकम है आपका एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो आज मैंने अपना इंट्रो का बिल्कुल स्टाइल कर दिया चेंज। मैं कहा भाई, गाड़ी में बैठे बैठे आज हम यहाँ जा रहे हैं, आज हम वहाँ जा रहे हैं, सुन सुन के आप लोग भी हो गए बोर। मैं कहा कुछ चेंज करते हैं। तो कैसा लगा मेरा न्यू इंट्रो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं, आप लोगों ने पहले देख लिया, हम लोग गुरुद्वारा साहब दर्शन करके आ चुके हैं। तो अभी हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं मैं बताऊंगा नहीं, चलो। पायलन में नाम चढ़ा, भाईन में नाम बड़ा, ब्याज तमाम चढ़ा, ढूंढने सुनताओ की चले, सेटिंग की बहन ने कॉलेज में भर्ती कर। आज भगवान ने मेरे को ना लड़की बना दिया था, लड़कियों का इतना कंटेंट है ना, तो मैंने कहा कि जीके मार्केट तो दिखा दिया, जनपद मार्केट दिखाते हैं इन लोगों को। पूजा, अरे भैया बस करो शोर है। पूजा, मैंने कहा जीके मार्केट तो दिखा दिए पीछे व्लॉग में, जनपद मार्केट दिखाते हैं। तो चलते अंदर देखते हैं पूजा क्या क्या शॉपिंग करती है। रश तो बहुत ज्यादा भैया यहाँ पर, मुझे तो बहुत हिचकिचाहट होती है। मैं ब्लॉगर नहीं बन सकती, पीछे कैसे देख रहे हैं। जनपद मार्केट के अंदर आ गए हैं, अब आवाज लगनी शुरू हो जाएगी। आओ जी, जीन्स दिखाएं, जीन्स दिखाएं, जीन्स दिखाएं। हाँ ये लेना, कुछ ज्यादा ही क्राउड लेने लग गया पूजा, लेकिन यहाँ पर भी है ना, पहले हम आते थे जब कॉलेज के टाइम में, तब इतना क्राउड नहीं होता था। दुकानें भी बाहर तक आ गई हैं थोड़ी, और क्राउड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है जनपद मार्केट में। अरे आंटी रुक जाओ। हाँ तो आप पहले जा रहे हैं मोमोज खाने या पहले शॉपिंग कर रहे हैं? खाने तो तूने, मैंने नहीं। मैंने मोमोज मैंने खाने, पूजा ने नहीं खाने, वो डाइट पे है। और कोल्ड आप लोग को रिएक्शन दिख रहे हैं, मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ और लोग मुड़ मुड़ के दिख रहे हैं, आपको रिएक्शन तो दिख ही रही होंगी। और मैंने उतारे, सॉरी, थैंक्स। भाई साहब, इतनी भीड़ में ब्लॉगिंग करना आसान नहीं है, मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ। चलो जी, चलो। और पूजा तो अंदर एंटर भी कर चुकी है मोमोज लेके यहाँ पर। अरे वेट कर लो भैया मेरा, थोड़ा सा तो वेट कर लो, रश है, निकलने में टाइम लगता है ब्लॉगर्स को। अच्छा, पहले कॉफी ले लो। यार थोड़ी तो पी ले, चलो फिर मोमोज खाते सीधा चलते। Fever taking over, it's burning. You're so stuck in your head, think I'm leaving. ये वाला सही लग रहा है। आप पेयर मेरे को अच्छा लगता है। पेयर मेरे को अच्छा लगता है ना? पेयर को नहीं लगता ना? अच्छा लगता है, पर गर्मी लगती है मुझे। गर्मी तो इस टाइम मेरे को लग रही है। है ही नहीं। मेरी पीठ में ना स्वेटिंग ऐसी चल रही है, जैसे सांप चल रहा है। मेरे तो अभी बुरा हो गया, स्टार्टिंग ही हुई है पूजा की शॉपिंग की। क्राउड चेक करो यार, यहाँ पर और कुछ तो दिखाने के लिए है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लड़कियों की शॉपिंग होती है और लड़कियाँ रच के शॉपिंग कर रही है। तो व्लॉग बहुत छोटा सा आएगा,
हाँ तो मैं कह रहा था व्लॉग बहुत छोटा सा आएगा कि यहाँ पर कुछ खास करने के लिए है नहीं। पूजा देख तेरे को तो यहाँ पर कुछ समझ आना नहीं है, लेकिन मुझे नाइट के शॉर्ट जरूरी है। हम वही ले लेते, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है यार शॉर्ट की, दो चार ही है वही ठीक है, बाकी नए ले लेते दो चार और। चलो तो फिर आज पूजा ने कुछ नहीं लिया है, मैंने ले लिया अपनी नाइट सूट के लिए दो शॉर्ट्स, अभी कार में चल के आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि पूजा तो कभी भी कुछ भी शॉपिंग करके आती दिखाती नहीं है व्लॉग से, मैं अभी कार में आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। ना कौन से मेरी शॉपिंग करते है ना, वो तो डालूंगा ही, ये तो दिखा दूं कि मैंने लिए कौन से है। तो ये शॉपिंग हाँ तो भैया चाबी। चलो जी कार में आ गए, कार में बैठ के आप लोगों को दिखाता हूँ। और वहाँ पर ना भैया थे बहुत बढ़िया बढ़िया डायलॉग मार रहे थे, अभी आप लोगों को भी सुनाता हूँ, डायलॉग जो भी होते हैं वो मार रहे थे, अभी कार में बैठ के आप लोगों को भी सुनाता हूँ। तो आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ कि मैंने कौन सी शॉर्ट्स लिए। एक तो मैंने लिया जी एडिडास की, स्पेलिंग सही लिखा है बुजू हाँ स्पेलिंग सही लिखा है भाई, पहली बार देख लो, बहुत कंफर्टेबल होती है, मैं नाइट सूट में यही वेयर करता हूँ बट कंफर्ट रहती है। एक मैंने लिया है एडिडास और एक लिया मैंने सुपर ड्राई की, देख रहे हो भाई। वो बंदा इतने बढ़िया बढ़िया डायलॉग मार रहा था ना, वो कहता कि डबल मीनिंग है, मुझे लगा भाई हमारा दिमागी लड़कों का ऐसा होता है, कहता माल होगा मलाई लेने में है भलाई, अब मेरा माइंड तो डबल मीनिंग में चला, आप लोगों का चला नहीं चला मुझे नहीं पता। और एक और बोलता कह रहा माल मिलेगा गदर भूल जाओगे सदर, भाई साहब बहुत मस्त मस्त डायलॉग मारते हैं लोग। अभी जा रहे हैं हम लोग, वो एक शॉपकीपर कहता है अरे किसका गिर गया भाई, भाई सब मुड़ गए वहां पर, और फिर बोलता अरे कपड़े वपड़े देख लो भाई रुक के, तुम्हारे को बुलाने का तरीका है, मैं तो हंस के पागल हो गया। सो हाँ जी जनपद मार्केट से निकल चुके हैं हम लोग, तो अभी मैं जा रहा हूँ, हम लोगों ने घर जाना है, वहां से रास्ते में झंडे वाला मार्केट आती है, तो वहां पर मेरे को एक काम है, वहीं पहुंच के बताऊंगा क्या काम है। हाँ तो मैंने अभी कैमरा इसलिए ऑन किया था आप लोगों को ये बताने के लिए कि अभी हमारी ग्रुप में बात हो रही थी, तो मेरे कल के दो प्लान बन रहे हैं, या तो हम लोग अपने दोस्तों के साथ जाएंगे मूर्थल, सुबह सुबह बहुत टाइम हो गया यार, एक पहली बात तो बहुत टाइम हो गया अपने दोस्तों से मिले हुए, और दूसरी बात जो है कि मूर्थल गए हुए हमें तो सदियां हो गई है ना भाई, बहुत ज्यादा टाइम गया हो गया हम लोग को मूर्थल गए हुए, तो अभी ग्रुप में प्लान बन रहा है कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने एक अल्टरनेट प्लान और रेडी करके रखा हुआ अपना, अगर ये लोग सब मना कर देते हैं कि प्लान नहीं बनता तो मैं अपने दोस्त के साथ जाऊंगा आप लोगों के लिए, एक सुबह सुबह एक जगह होती है उसका व्लॉग शूट करने, मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे वहां का व्लॉग शूट करो, मैं आज तक कभी नहीं गया हूँ बट व्लॉग शूट करने के लिए, हो सकता है कल सुबह वहां चले जाए। तो अगर आप लोगों को जानना है कि हम लोग कहाँ गए हैं, दोस्तों के साथ गए हैं मूर्थल या गए अपने किसी और दोस्त के साथ, जहां पर मेरे को सारे डीएम्स आ रहे हैं, तो वो जगह अगर आपको जानना है तो आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग। सोजी गुरुद्वारे से फ्री हो गए थे और जनपद भी हो आए थे, तो मुझे ना अपनी शॉप के लिए ना चेयर लेनी थी, तो मैंने सोचा इसी साइड आए हुए हैं तो चेयर ले लेते हैं, झंडे वाले मंदिर के सामने ये जो चेयर मार्केट है ना, अभी वहां पर आए हैं तो अंदर चल के देखते हैं कहां पर चेयर मिल रही है बढ़िया सी। सो जी फर्स्ट शॉप पे आ गए हम लोग, यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस है, ये तो डॉक्टर चेयर्स लग रही है, यहां गेमिंग चेयर पड़ी है बहुत बम लग रही है मेरे को, बट शॉप पे अच्छी नहीं लगेगी इसलिए ऑफिस चेयर टाइप देखते हैं, कोई रेस्टोरेंट चेयर कोई समझ आ रही है, मुझे इस टाइप की चाहिए थोड़ी, जैसे मल्टीपर्पज हो ना ये, हाँ हाँ सारी अब तो सारी लगभग एडजस्टेबल वाली आती है, कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर वो नहीं, जो ये भी अच्छी लगती है लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर नहीं हो जाएगी, शॉप के हिसाब से अच्छी नहीं है ना। सो जी इस शॉप में तो हमारे को समझ नहीं आया क्योंकि ना मेरे काउंटर की हाइट ना थोड़ी ज़्यादा है, तो मुझे चेयर जो चाहिए ना थोड़ी बड़ी हाइट की चाहिए, तो यहाँ पर नहीं थी, देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, एक दो शॉप्स के अंदर और चल के देखते हैं। सो यार मुझे समझ नहीं आया कि होलसेल मार्केट है इतनी बड़ी चेयर्स की, तो यार रेट डिफरेंस तो बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था बट कुछ भी रेट डिफरेंस नहीं मिल रहा, जो चेयर मेरे को यहाँ पर 4000 की मिल रही थी ना वो मैंने अपने यहाँ पर पता करी थी वो 4200 की थी, बट 200 रुपए का डिफरेंस है यार, इससे अच्छा मैं अपने यहाँ से ना ले लूँ, मैंने तो ली ही नहीं यहाँ से पहले चेयर खरीदो उसके बाद 500 रुपए तो मैक्सिमम लेगा हमारे यहाँ तक रिक्शे वाला जाने के, 500 रुपए किराया दो तो वहां से तो महंगी पड़ गई,
अब वहाँ से क्या होगा, वहाँ पर गाड़ी की सीट डाउन करूंगा, वहीं से लेके गाड़ी में डाल के शॉप पे ले जाऊंगा, तो वो मेरे को बेटर ऑप्शन लगा, इसलिए मैंने चेयर नहीं ली है। यार अंकल जी को देखो सामने, कितने ओल्ड अंकल जी हैं, और अभी जिस हिसाब से अंकल जी बैठे हुए थे ना, तो क्या यार, मतलब लोग किस लेवल पे जा जा के मेहनत कर रहे हैं ना। अभी अगर अंकल ऑटो चलाएंगे ना, तब आप लोगों को दिखेगा, देखना अंकल ना झुक के बैठे, जैसे होता है ना कि बुजुर्ग लोगों की जो पीठ रहती है, जो बुजुर्ग लोगों की पीठ होती है वो हल्की झुक जाती है, तो अंकल वैसे बैठे हुए थे। भाई मैं तो हिम्मत दाद देता हूँ कि ऐसे टाइम में भी अंकल जी काम कर रहे हैं। देखो ऑटो, देखो अंकल जी कैसे चला रहे हैं यार, हैट्स ऑफ है अंकल जी को, हैट्स ऑफ। तो जी पूजा को घर पे ड्रॉप करके आ गया हूँ मैं, और मैंने जैसे कि आपको बताया मेरे यहाँ पर ज्यादा अच्छी रेंज मिल रही थी, तो मेरे पास ऑप्शन में एक ये चेयर है और एक ये चेयर है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मुझे तो यही बेस्ट लग रही है अभी तक फिलहाल। बाकी मैंने बैठ के देखा, अवेलेबल पकड़ना, और ये जो है ये पूरी रिलैक्स वाली चीज है, भाई मैं बैठा पूरा पीछे ही हो गया, ये हो रही है पीछे, ये भी सही है। अंकल जी से इसका पूछो एक बार क्या बेस्ट लगेगा, देखते हैं इसका क्या और बेस्ट लगता है मेरे यहाँ से। यहाँ से रेट कंपेयर करके तो मैंने देख लिया था, यहाँ मुझे बेस्ट डील मिल रही है, इसी को लेके चलते हैं साथ। एक बार पूछना भैया अंकल जी से। सो जी यही वाली चेयर कर ली है मैंने फाइनल, क्योंकि जैसे मेरा काउंटर है वो तो मैं आपको अभी शॉप पे रख के दिखाई दूंगा, पहले कौन सी चेयर थी और अब कौन सी चेयर है। आगे रख दो, पीछे तो आने से रहिए, आगे देखो, आगे आ जाएगी, आ जाएगी आराम से, हाँ आ जाएगी थोड़ा आराम से। चलो भाई गाड़ी में भी फिट आ गई है, ठीक है भैया थैंक यू। ये चेयर तो गाड़ी में भी फिट आ गई है, किराया भी बची अपना। ये देखो ये चेयर ली है मैंने, तो चलो शॉप पे चलता हूँ, आपको शॉप पे ना चेयर रख के दिखाता हूँ कि कौन सी जगह है, कैसा मतलब मेरा काउंटर कैसा है। मैंने कभी शॉप पे ज्यादा व्लॉग नहीं किया, इसलिए आप लोगों को पता नहीं होगा कि कहाँ के लिए लिया मैंने, तो अभी शॉप पे जाऊंगा ना तो आपको प्रॉपर रख के दिखाऊंगा कि पुरानी चेयर कौन सी पड़ी थी, उसके अवेली रखने के बाद कैसा लग रहा है मेरा काउंटर। तो चलो फटाफट चलते हैं शॉप पे। सो जी ये है मेरा काउंटर, जैसे कि आप देख सकते हो ये रहा काउंटर, और यहाँ पर लगा हुआ मेरा टेबल, और यहाँ के लिए मैं लाया हूँ चेयर, आप पीछे भी देख सकते हैं ये सब। हाँ तो ये चेयर लगी है, यहाँ के लिए मैं लाया हूँ चेयर, अब यहाँ पर चेयर चेंज करके आप लोगों को दिखाता हूँ अगला व्यू। तो जी ऐसी आ रही है यहाँ की अब कुछ लुक, यहाँ पर चेयर हो चुकी है चेंज, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रही है, बट हाइट वाइज ना थोड़ी सी छोटी है, पड़ गई है कहाँ जा रही है, मतलब हाइट वाइज थोड़ी सी छोटी है, बट मैनेज हो जाएगा। अगर ये टेबल का जो स्टैंड है ना वो हल्का छोटा मैं अगर लगाऊंगा तो ये नीचे हो जाएगा, बट कंफर्टेबल है एकदम, बढ़िया मजा आ गया। तो जी आज के इसी व्लॉग को करते हैं अपनी न्यू चेयर पे एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया से व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय।